मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तुषार मामू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है। मामी कहाँ है? और उसको मत सिखाना मुच्ची मामी। और यहाँ चल रहा है ये सुबह सुबह। आए सारा, नहीं सारा मुच्ची मामी। मैं काट रही हूँ। बड़ी मुश्किल से सुलाया इसको। बार बार मेरे को पता क्या कह रही, मामू नहीं सोना, नहीं सोना। इतनी क्यूट सी। और ये देख लो, इसको देख लो, देख लो। सो सायरा को सुला दिया है। अब हम ना घर में शोर भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी, किचन में आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, टीवी भी नहीं चला सकते, बिकॉज वो उठ गई ना तो फिर वो चिल्लाएगी मम्मी मम्मी मम्मी। और उसकी मम्मी गई है बाहर काम से, और आप सोच सकते हो अगर वो उठ गई तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे पास सेकंड मदर है, ये संभाल लेगी। सॉफ्ट स्किन ये संभाल लेगी। इतनी सॉफ्ट स्किन कैसे करी है? सायरा के लिए करी है। आपके अट्रैक्शन पाने के लिए अपना बॉडी केयर करना पड़ता है। बॉडी केयर कैसे करा फिर ये बॉडी केयर? रेगुलर सोप यूज करने से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लग गई थी, और इवन आफ्टर टेकिंग अ शावर भी मुझे लोशन यूज करने पड़ते थे, जिस वजह से मेरा मोस्टली टाइम तो मॉइस्चराइजर यूज करने में ही निकल जाता था। लोगों को अपनी स्किन हाइड्रेट रखना बहुत पसंद है, और इस वजह से वो मार्केट में आने वाले नए नए मॉइस्चराइज सोप यूज करते हैं, बट स्टिल उन्हें अपनी स्किन डीप क्लेंस नहीं मिल पाती है प्रॉपरली। आफ्टर सफरिंग दिस प्रॉब्लम आई हैव स्टार्टेड यूजिंग मामा अर्थ मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। It is perfect 2-in-1 solution which gives moisturizing benefits of lotion while ensuring a deep cleanse. That's why it's a soap bee and lotion bee. It has natural goodness of vitamin C, having lemon and honey which illuminates your skin and gives it a glow, making it smooth and moisturized. आप लोगों को believe नहीं हो रहा होगा ना? Let me just show you. It removes oiliness and increases moisturize. This soap is just perfect for those who wanting to take care of their skin while busy in everyday life. Every time you buy from them, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant, and by 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. You can also use our code TUSHAR2024 for 20% off on Mama Earth website and the app. As you know, Mama Earth products are also available on Amazon, Nike, Flipkart and offline stores near you. Message me and comment down below the next time you spot a Mama Earth store near you. Also, I am putting this link in my description. So guys, what are you waiting for? Go and check it out. इसकी आवाज सुन के इसने मुझे चिल्लाया, उससे ये उठी। उसके बाद मैं इसके लिए लेके आया हूँ चिप्स और फ्रूटी। जब जाके खुश हुई है ये, वरना भी वहीं कर रही थी। कैसा है? थैंक यू मामू। कैसे पी रही है? छोटी सी लड्डू। इस न्यू अपडेट ये है कि हमारी बच्ची ने पॉटी सूसू कर ली है डायपर में, ठीक है? मामू को बताओ पॉटी हो गई, ठीक है? अब मेरे बस की तो है नहीं, अभी इस पॉटी को साफ करना, तो मैंने इसको बुलाया। औरतों वाले काम भी मैं करूं, आदमियों वाले काम भी मैं करूं, और तू बैठ के बस धनिया छील। कुछ काट गया मेरे को यार, मैं सीखूंगी यार, मेरे को एकदम। तो मैंने कहा मैं बचपन से पेट से सीख के आया था, बट इतनी क्यूट बच्ची का तो वैसे मैं भी कर ही दूंगी। अभी कर दो, नेक्स्ट टाइम दूसरे बार वाला मैं साफ कर दूंगी पक्का, आई प्रॉमिस। मेरे से अभी नहीं होगा। ये देखो, हेलो ओली, मामू ने पॉटी साफ कर दिया। मैं तुझे कहाँ ले जा रहे हो पॉटी? नहीं आप खा लो, आपकी पॉटी किसने साफ की? मामू ने, मामी ने की। बोलो मामी ने की। मामी, गुड गुड गर्ल, मामी ने की। मामी किसी लायक नहीं बेटा, हट जा, मामी के पास मत आ। मामी ने की। लोग को कंफ्यूजन ये है कि डायपर पहनाते कैसे हैं। अरे बताओ ना, मुझे क्या पता, सारे डायपर कैसे पहनते हैं बाबू? या तो अच्छा मुझे क्या पता यार, उसमें लिखा होगा ना आगे पीछे का कौन सा है। कुछ लिखा है, एरो टॉप एंड फ्रंट लिखा है। पहना के देख लो, जैसे फिट हो जाए वैसे पहना देना। ऐसे ही पहना जाएगा ये। देर हो गई है, सारे काम मैं कर रहा हूँ, ये बैठ के कुछ नहीं कर रही। बच्चे की पॉटी मैं साफ करूँ, हिलाऊं निलाऊं, सब कुछ करूँ, घर में खाना बनाऊं, एक बार भी इस गुड़िया ने मेरे से ये नहीं पूछा कि तुषार आपको भूख लग रही है, मैं खिला दूं। और देख लो वहां बैठी है, वो कैसे बैठी है इधर। काम कर रही हूँ यार, कुछ आपको तो मेरा काम ही नहीं दिखता। वाह वाह, ये काम है।
मैं हो गया बहुत परेशान, मैं हो गया बहुत ज्यादा परेशान। इस औरत ने हर वीडियो में पिंक चादर बिछा रखी है। चादर चेंज कर दे, बैठ मत, बाहर आ जा, अंदर आ जा, बिल्कुल बहुत हो गया। आज मेरी बुआ ने भी मुझे मैसेज कर दिया कि ये चादर, यही यही चादर बैठी रहती है यहाँ पर, मैं बैठू ना बैठू चादर जरूर बैठी रहती है, चादर को चेंज कर दे। खुद तो कुछ करेगी नहीं, वो बैठ के माता रानी की तरह बैठ गई है, कर इसको चेंज कर, चेंज कर दे इससे। भाई ये हटाओ इसको यार, रोज रोज पे डायन की तरह रो रही है, हट जा, मेरा लग रही है, छोड़ दो इसको, हटा भाई हटा, दोबारा बिछाओ, दोबारा पिंक चादर तो नहीं बिछेगी अब यहाँ पर, जो जो मर्जी कर लो भाई, इसे ऐसे से करूंगा आज मैं, हटा इसको, हटा इसको पिंक चादर, मैं बहुत हो गया, मैंने दो दिन पहले चेंज करी थी, नहीं बिछेगी पिंक चादर, काली चादर बिछा यहाँ पर, मेरे को कुछ और चाहिए, मैं आदमी हूँ, औरत वाली चादर पे मैं सो, तमीज में आ जाओ, तमीज में आ जाओ। अब आदमी का किसी चीज पे जोर चलता तो है नहीं, कम से कम यही चला ले, चादर ही चेंज कर ले, फेंके जा रही है जब से तमीज से, इससे तो बाथरूम साफ करूंगा ताकि दोबारा बिछे ही ना, मेरे को मत देखो ऐसे, चादर बिछाओ जल्दी ना, मेरे को आ रहा बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, क्या कर लोगी फिर, क्या कर लोगी, क्या कर लोगी, फाड़ दूंगी आपके, बात बात पे रोमांटिक हो जाती है छीके मार रही है अंदर बैठ बैठ के ना, मिट्टी उड़ गई होगी जो चादर पे, मिट्टी हो गई वो उड़ रही होगी, अब छीके मार रही है, तमीज है मेरे, काला नकाब पहना दिया तूने, मेरे लग जाएगी मेरे पैर सिंह पे, चली गई, और इसको सही से इससे तो मैं बाथरूम साफ करूंगा, बता दी तेरे को आज मेरा हक पूरा हो गया, यस। और एक चीज दिखाता हूँ, इसने यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ ये रख के दिखाऊंगा, इसने टॉयलेट पेपर स्टैंड मंगवाया और उसके ऊपर फोन रखने का स्टैंड, वाओ, ये इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये बाथरूम में जाएगी, एक एक घंटा फोन पे मूविया देखेगी, शर्म नहीं आती इसको, हाँ क्या निन्नू कर रहा है डॉगी, आप भी कर लो निन्नू, मुझे पे फोटो दिखाना, बाकी वाला घर लगता तो अच्छा ही है, देखो सारू मैंने तेरे लिए नारियल फोड़ दिया, बेचारी पता ऑलिव भी ना इतना डिसेंट बिहेव करती है ना सारा के सामने, मेरा नारियल, ये माता की चौकी वाला नारियल है, तो किसके लिए करा है, दोनों को खाना है, मेरे आपको, मैंने पूछ लिया था उनसे, हम दोनों खा सकते हैं, टू थ्री हम वन टू थ्री, वो ज्यादा टूट गया तेज, ज्यादा जा है, पानी नहीं था, था ये चुन्नू सा था, हम दोनों को खत्म करना है ये, याद है हाँ ऑलिव देखो, कह रही हो ऑलिव देखो, ऑली नहीं सुन रही, ऑली को बोलो देखो, ऑली देखो, 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 को पकड़ के बोलो, ऑली देखो, आए कितने क्यूट है, ओके ये है, बच्चे को तो छोड़ दे कम से कम, दे बच्चे के पैर पे नेल पेंट लगा दे, उसको मजा आ रहा है, मजा तो गुड़िया यार क्यों करा रही है तू ये सब इससे, देखो सुंदर है ना, इसमें भी बच्चे की पॉटी साफ करनी थी जब तो नहीं इसको उठाया हाथ में, जब छी छी कर रही थी, चलो गाइस अब मैं बनाता हूँ पनीर की सब्जी, मैं क्या जुड़ो, मैं बना रहा हूँ सब्जी पनीर की, ठीक है ना, मैंने प्याज चॉप कर लिए है, मिर्च चॉप कर लिए है और लहसुन प्याज सारे हो चुका है, पनीर ये भिगो दिया मैंने, अब मैं डालूंगा, हाँ हम बना कर रहे हैं वैसे, पनीर की भुर्जी बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, चादर हटा तो दी, मिर्च कितनी काटी आपने, मैंने काटी, मुझसे पूछ, दो काटी है मैंने, दो गई यार, हरी मिर्च तो ये बनी हुई है आज नीचे से, हरी मिर्च ऊपर से काली मिर्च, हाँ ऊपर से काली मिर्च, यार हो रहा है बारिश का मौसम और नवरात्र खत्म हो चुके हैं, मूड बन रहा है कहीं बाहर घूमने चले जाए, आप तो मैं जरा हो गया है बाहर तक, मौसम ज्यादा अच्छा हो रहा है,
अरे जाओ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, हटो। अब क्या कर दिया मैंने? नहीं, अब क्या कर दिया? मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं मुंह मार दूंगी, ये देखो नवरात्रे खत्म हुए हैं और यहाँ आ गई हैं पार्टियों की तैयारियाँ। इतना मंगा लिया कि संभल नहीं रहा है। किस लिए मंगाया आपने ये सब? अभी दिन में तो आया ही था। गुजराती डिश है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मैं पूजा करने जा रही हूँ, बहुत टेस्टी लगते भाई, कर्ड की बनी होती है। तो अब हम देख रहे हैं जेठालाल, और जेठालाल देख के अब करते हैं अपना डिनर और इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। तो श्रुति कहाँ हो? श्रुति भाई, अब मैं दिखाऊंगा, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं? हर टाइम बाथरूम में रहती है भाई। मैंने काम किया था, हाथ मुंह धोने आई थी भाई। मैं कह रहा हूँ 24 आवर चैलेंज कर लो बाथरूम वाला भाई। हाथ मुंह धोने आई थी यार, देखो फेस गीला है मेरा, पान मुंह पोंछने भी नहीं दिया। पान खा रही थी अंदर में। तो गाइस ये व्लॉग खत्म होता है यहीं पर। आज मैंने नवरात्रों के बहुत दिन बाद बनाई है क्या, आलू की भुर्जी पनीर की भुर्जी। नशे हो रहे हैं इसके अलग ही टाइप के। सॉरी, पनीर की भुर्जी। सो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लूज मोशन के साथ, पेट के साथ दिमाग भी लूज हो गया। बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरुजी।